याज़ुबिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद सुहेल अहमद है एंड आई एम वर्किंग हियर एज प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और मज़ीद जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे इस मीटिंग में, तो उनको हम लोग बेसिकली अलाउ करते रहेंगे। आज की बेसिकली इस सेशन का, इस ऑनलाइन मीटअप का जो पर्पस है वो बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड करना है उन एप्लीकेंट्स को, उन इंटरेस्टेड और एलिजिबल एप्लीकेंट्स को जो कि हमारी ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप ग्रांट अप्लाई करना चाह रहे हैं। देयर आर टू यू नो पार्ट्स टू दिस मीटअप। पहले नंबर पे मैं थोड़ा सा आपको नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा फॉर अबाउट 5-10 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम विल प्रोसीड टुवर्ड्स दिस जो हमारी ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप की ग्रांट है। उसमें अगर एप्लीकेंट्स को क्लैरिटी चाहिए या उनको गाइडेंस रिक्वायर्ड है कि ये एप्लीकेशन, ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हाउ टू यू नो प्रोसेस देयर एप्लीकेशन, सो उस हवाले से यू नो वील हैव अ डिस्कशन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आर टूडेज ऑनलाइन सेशन। मैंने जैसा बताया, मेरा नाम सैयद सुहेल अहमद है, वर्किंग हियर एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम नॉर्मल अपनी कॉमन बिजनेस लैंग्वेज में एनबीडीपी कहते हैं, एनबीडीपी इज बेसिकली पीएसडीपी फंडेड प्रोजेक्ट ऑफ समेटा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको फंड किया है। और इसका जो मैंडेट है वो बेसिकली हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है टू द एसएमईज, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना है, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना है, और जो समेडा की आउटरीच है उसको फर्दर इन्हांस करना है। नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेनिंग सर्विसेज है, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस का कॉम्पोनेंट है, और तीसरा जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो है ग्रांट्स का, which is financial support to the SMEs. Training services के हवाले से सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको brief कर दूं कि under the training services there are you know multiple sub components of the training program, जिसमें basically अभी तक 2018 से ये project operational है, और 2018 से लेके अभी तक हमने 45,000 प्लस SMEs और उनके जो स्टाफ है उनकी हमने कैपेसिटी बिल्ड की है थ्रू द प्रोविजन ऑफ ओवर 1200 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस पाकिस्तान, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए हैं अदर देन द 4 प्रोविंसेस। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो हमारे सब कॉम्पोनेंट्स हैं, इसमें देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, जिसमें इफ वी गो इनटू द डिटेल तो इसमें ओपन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा हमारे सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि अभी नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम रोल आउट करने जा रहा है। ऑन प्रेमिसेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फीचर ये है कि वो SMEs जो बेसिकली स्पेयर नहीं कर सकते अपने रिसोर्सेज को फॉर द ट्रेनिंग बिकॉज दे ऑलरेडी हैव यू नो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ, तो उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो हमारे हमसे रिक्वेस्ट करें। इसका सारा ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर्म, आप वहाँ पे जाके तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का एट योर प्रेमिसेस, और हम अपना प्री क्वालिफाइड जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं जो कि प्री क्वालिफाई हुए हैं थ्रू अ कम्पेटिटिव प्रोसेस, वील इंगेज दोज ट्रेनर्स एंड वील सेंड दोज ट्रेनर्स टू योर प्रेमिसेस, और वो वहाँ पे जाके आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो टॉप 10 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, होटल रेस्टोरेंट्स कैफेज से रिलेटेड है, आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है, केमिकल से रिलेटेड है। तो ये टॉप प्रायोरिटी जो सेक्टर्स हैं 10, वो हम लोगों ने थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू ये हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, और इन सेक्टर्स में बेसिकली अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रोल आउट कर रहे हैं। सो अभी तक हम लोग नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 45,000 के करीब जो इंडिविजुअल SMEs और उनका जो स्टाफ है उसको अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं 2018 से लेके अभी तक, और अभी भी हमारी देयर अबाउट 70 प्लस ट्रेनिंग्स जो लाइव हैं इस टाइम पे, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो हमारी जो वेबसाइट है nbdp.org.pk उसमें ट्रेनिंग सर्विसेज के टैब
में जाएं और वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. एंड जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ फिर इंडिविजुअली رابطہ करके एंड वी विल बी सेंडिंग देम इनवाइट टू अटेंड दिस विद इन प्रोग्राम. सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच इज ट्रेनिंग सर्विसेज. जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है एनबीडीपी का वो है इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस का. दिस इज अ नोन एंड एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के आजकल के दौर में कोई भी कारोबार बगैर इंफॉर्मेशन के या बगैर एडवाइस के करना जो है वो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो उस हवाले से अंडर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस अगेन वी हैव यू नो मल्टीपल सब कॉम्पोनेंट्स जिसमें सबसे पहले हमारी जो प्री फिजिबिलिटी स्टडीज हैं विच इज वन ऑफ द हिट प्रोडक्ट्स ऑफ नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सिमेटा. प्री फिजिबिलिटी स्टडीज जो है वो बेसिकली एक आपको एक बिजनेस आइडिया को अगर आप फॉर्मलाइज करने जा रहे हैं तो उस हवाले से आपको कंप्लीट उसका राइटअप मिलेगा. फॉर एग्जांपल उसमें प्री लेक्स क्या हैं, आपकी कैपिटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट कितनी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये सारे मामला जो हैं आपको प्री फिजिबिलिटी स्टडीज में मिल जाएंगे. देयर आर अबाउट 160 प्लस प्री फिजिबिलिटी स्टडीज ऑफ बिजनेस आइडियाज जो कि हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए और अगर आप उसको रेफर करें तो यू गेट अ क्लैरिटी बिफोर यू नो बिफोर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस. Accordingly, NBDP एक वेबसाइट सॉरी एक हेल्पलाइन ऑपरेट कर रही है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक. 04211763111 ये हमारा हेल्पलाइन का नंबर है. और कोई भी SME अब SMEs के पेन पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली पेन पॉइंट ये है कि स्मॉल बिजनेस है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हर डोमेन के हवाले से आप अपना इंटरनल को फंक्शन डेवलप कर सकें या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर कर सकें. सो जो हमारे इंडिकेटिव टॉप बेसिकली प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उसके हवाले से हमारे पास हेल्पलाइन पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम एडवाइस और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं SMEs को. जिसमें हमारा अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, या आपको जो सिमेडा की या NBDP की दीगर सर्विसेज है उस हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे. अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन एडवाइस का एक सब कॉम्पोनेंट है हमारा जो कि थीम स्पेसिफिक हेल्प डेस्क हम ऑर्गेनाइज करते हैं with the trade bodies, with the chamber offices, with the partner banks. और वहाँ पे हम SMEs को invite करते हैं so that they can come और उनके जो specific problem है वो one on one हमारे consultants के साथ या हमारे जो subject matter experts हैं उनके साथ वो table कर सकते हैं और उसका solution वहाँ से ले सकते हैं. So this was a second major component. अकॉर्डिंगली जो तीसरा मेजर कॉम्पोनेंट है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिसके हवाले से आज का ये हमारा सेशन भी है वो है हमारा ग्रांट्स का सेक्शन. बेसिकली ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है NBDP टू यू नो SMEs और स्टार्टअप्स को सो दैट वो बेहतर तरीके से अपना जो है वो काम कर सके, उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको वो एड्रेस करते हैं थ्रू दिस कॉम्पोनेंट. अब इसमें लास्ट ईयर जो है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमने अपनी पहली ग्रांट जो है वो रोल आउट की थी, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ग्रांट. वो उसका कंप्लीट साइज उसके जो ग्रांटीज हैं उनको हमने इसी साल के पहले क्वार्टर में लॉन्च की थी, दैट वाज अर्ली स्टेज स्टार्टअप ग्रांट. अब उसकी स्क्रूटनी चल रही है और उन एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसकी फील्ड वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद फिर ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे उनको बेसिकली हम LOI इशू करेंगे और सो दैट दे कैन एक्वायर सर्विस और द मोमेंट दे एक्वायर सर्विस उसके बाद वो आके हमसे रिइंबर्समेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली अब जो नई ग्रांट हमारी इस वक्त एक्टिव है वो है ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप ग्रांट. इसका जो बेसिकली क्वांटम है वो 500,000 रुपीज तक हम दे रहे हैं टू द SMEs. अब इस ग्रांट को किस तरह से आपने प्रोसेस करना है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी जो मालूमात हैं ये बेसिकली इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे. और जो ग्रांट सेक्शन के हमारे जो कॉम्पोनेंट के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं मोहम्मद अली साहब,
वो मेरे साथ इस वक्त इसमें co-host है इस session में. I'll request मोहम्मद अली साहब कि प्लीज जो हमारे applicants, जो हमारे attendees हैं, इनको basically grant के हवाले से guidance provide करें. ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप ग्रांट, इसके बारे में आपको बताऊंगा ये ग्रांट क्या है, इसमें कौन लोग कौन से बिजनेसेस के लिए एलिजिबल हैं, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी सारी डिटेल से मैं आपको गुजारूंगा. और आखिर में आप लोगों के जो सवाल जवाब होंगे हम वो सवाल जवाब का सेशन करेंगे. बेसिकली कि ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप ग्रांट जो है ये ऐसे बिजनेसेस के लिए है कि जिनकी लाइफ जो है एक साल से लेके पाँच साल तक. और इस ग्रांट में हम इसका मकसद जो है ये बिजनेसेस जो है अपने कारोबार की तरक्की और तोसी के लिए इस ग्रांट से इस ग्रांट को यूज़ कर सकें. इस ग्रांट में जो है जो बिजनेसेस हैं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ग्रांट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ऐसे बिजनेसेस जो पाकिस्तान में एज अ सोल प्रोप्राइटर फर्म कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हों और जिनका NTN मौजूद हो, ठीक है, और ये किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो. बिजनेस के जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बिजनेस की जो उम्र है वो एक साल से लेके पाँच साल तक होनी चाहिए, ना एक साल से कम ना पाँच साल से ज़्यादा, और वो पिछले एक साल में कम से कम छः महीने तक ऑपरेशनल रह चुकी है, ठीक है. और ये टाइम फ्रेम जो है एक साल से पाँच साल का ये हम कैलकुलेट करते हैं जिस तारीख को आप अपनी ग्रांट की एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे उस तारीख से पिछले पाँच सालों का टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हैं. बिजनेसेस जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से हो सकते हैं, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सर्विसेज में, ट्रेडिंग में, माइनिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं जिनकी एनुअल सेल्स जो है 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो और इनका एक अदद बिजनेस बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. तो ये है बेसिकली इस ग्रांट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे बिजनेसेस कि जिनका NTN मौजूद हो, जिनकी लाइफ जो है एक साल से लेके पाँच साल तक हो और पिछले एक साल में कम से कम छः महीने के लिए ऑपरेशनल हो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या माइनिंग से सेक्टर से रिलेटेड हो और इनका एक्टिव बिजनेस बैंक अकाउंट मौजूद हो. तो ये जो बिजनेसेस हैं ये इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं. ग्रांट की जो टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि हमने पाकिस्तान को 5-7 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ, ठीक है, और हर रीजन से जो एप्लीकेशन जाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर, यानी कि जो पहले एप्लीकेशन देखा उसको हम एप्लीकेशन पहले प्रोसेस करेंगे. पाकिस्तान के जो रीजन हैं 4 इसमें प्रोविंसेस आ जाते हैं, इस्लामाबाद यानी कि फेडरल कैपिटल, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, ये 7 रीजन्स हैं जिसमें हमने कंट्री को डिवाइड किया हुआ. एक और चीज़ जो टर्म एंड कंडीशन जो ज़रूरी टर्म है वो ये है कि जो भी एप्लीकेंट है जो ग्रांट जो अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करेगा ग्रांट के लिए उसका ग्रांट उसका बिजनेस में ऑनरशिप स्टेक यानी कि उसका बिजनेस में शेयर होना ज़रूरी है. चाहे वो अगर सोल प्रोवाइडर है बिजनेस है तो उसमें वो ऑनर हो सकता है, अगर वो फर्म है तो उसमें उसका पार्टनर होना ज़रूरी है, फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका डायरेक्टर होना ज़रूरी है. कोई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे या बिजनेस के बिहाफ पे अप्लाई नहीं कर सकते. अच्छा, एक और चीज़ जो टर्म एंड कंडीशन है बड़ी ज़रूरी है आप लोगों को समझाना कि ये ग्रांट जो है रिइंबर्समेंट बेसिस के ऊपर दी जाएगी. रिइंबर्समेंट बेसिस का मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करेगा उसका जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, जो भी उसने प्रोडक्ट या सर्विस जो है मांगा हुआ है एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस जो अप्रूव वेंडर है उससे ले लेगा, उसको पेमेंट कर देगा, तो हम वो पैसे जो है रिइंबर्स करेंगे मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक, 5 लाख जो ग्रांट का साइज है जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. जो आप पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर को या बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर को वो कैश की सूरत में नहीं हो सकती है, वो हमेशा वो ज़रूरी है कि वो किसी फॉर्मल चैनल से यानी कि बैंक के थ्रू ही की जाएगी और वही एक्सेप्टेबल होगी. इनफॉर्मल चैनल से की गई पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनका ग्रांट का जो भी एप्लीकेंट है ग्रांट का वो उसके एम्प्लॉय नहीं हो सकते, उस बिजनेस के एम्प्लॉय नहीं हो सकते, उसके रिश्तेदार नहीं हो सकते. इसके अलावा गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं इंक्लूडिंग स्मीडा और उसके प्रोजेक्ट्स, उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो ग्रांट के लिए सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो सकते और ना ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आखिरी चीज़ ये कि जो ऑन फॉर्म एक्टिविटीज़ जो हैं यानी कि ऐसे बिजनेसेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और जो ऑन फॉर्म एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इस ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं है, मासवाए बलूचिस्तान में लाइफ स्टॉक रिलेटेड बिजनेस है वो इसके लिए एलिजिबल है. अच्छा, इस ग्रांट में हम कवर क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें गुड्स भी कवर होंगे और सर्विसेज भी कवर हैं,
कवर हो सकती हैं। गुड्स में जो है मशीनरी हो सकती है, मशीनरी इक्विपमेंट हो सकता है जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए या ऑपरेशंस के लिए है, टेस्टिंग अपरेटस हो सकता है, प्रोडक्ट प्रोसेस इंस्पेक्शन रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है वो हम इसमें कवर कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग आईसीटी इक्विपमेंट जो आपको बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है वो इसमें कवर हो सकता है, फर्नीचर फिक्सचर्स फर्नीचर हो सकता है जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए चाहिए। फिर रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट या आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो इसमें कवर हो सकता है, ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनके स्टॉक्स इसमें कवर हो सकते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग फी कवर हो सकती है, सर्विसेज में जो है इसकी कुछ मिसालें जो जो इसमें कवर हो सकती हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी पेमेंट जो है जो डिजिटल मार्केटिंग कोई बिजनेस अपनी करवाना चाहता है वो इसमें कवर हो सकती है, कोई वेब स्टोर डेवलप करवाना है या ऑनलाइन प्रेजेंस है, ये सारी चीजें जो है इसमें कवर हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन जो है इस ग्रांट के लिए वो ऑनलाइन जमा होगी, जमा होती है, ठीक है, हम फिजिकल एप्लीकेशन नहीं लेते। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त होगी कि एक दफ़ा मैं ये कंप्लीट कर लूँ, आपको प्रोसेस समझा दूँ, उसके बाद आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मैं सारों के सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है, तो काइंडली थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि मैं आपको प्रोसेस से गुजार लूँ। जो ऑनलाइन, अच्छा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके तीन पार्ट्स हैं। उसके पहला पार्ट जो है जो एप्लीकेंट है जो अपने बिजनेस के बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरा पार्ट जो है जो बिजनेस अप्लाई कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है, और तीसरा पार्ट जो है जो आपको जो ग्रांट चाहिए, ठीक है, जो ग्रांट उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं। ये तीनों पार्ट जो इंफॉर्मेशन जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा क्योंकि किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे उस एप्लीकेशन के पार्ट हिस्से हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि हमारी वेबसाइट पे एनबीटीबी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, मैं भी आपको प्रोसेस से भी गुजारता हूँ, जाके आप ग्रांट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना यूजर क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपके पास CNIC होना जरूरी है, ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और इनकी बेसिस पे अपना यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जो आपने ईमेल एड्रेस दिया उसमें भेजा जाएगा, लिंक से आप अपने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, फिर आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको जरा प्रोसेस से गुजारता हूँ ताकि आप को आसानी हो सके कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे क्या कहाँ पे आपने जाना है, कौन सा लिंक है और इसको किस तरीके से आपने आगे करना। ये देखें जी, ये NBDP की वेबसाइट है, इसमें अगर आप ये देखेंगे ये ग्रांट्स का है, यहाँ पे आप जाके अप्लाई फॉर ग्रांट्स है इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज अपीयर हो जाएगा। इस पेज वक्त तक की जो भी ग्रांट्स हैं हमारी NBDP की वो आपको नजर आ रही होगी, जो क्लोज हो चुकी हैं वो भी नजर आ रही हैं, जो इस वक्त ओपन है वो भी नजर आ रही हैं। इसके बाद ये अप्लाई नाउ का बटन आपको नजर आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अगर तो जो यूजर ऐसे यूजर जो अपना अकाउंट पहले बना चुके हैं उनको तो सिर्फ अपना CNIC नंबर देना है, पासवर्ड देना है और वो अप्लाई लॉग इन कर सकते हैं। ऐसे यूजर्स जो फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए हैं, जिन्होंने अपना अपना ईमेल एड्रेस, जिसने अपना यूजर अभी क्रिएट नहीं किया, वो यहाँ पे इधर आएंगे, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप करेंगे आके अपने आप को। जब आप साइन अप करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, इसमें आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है, अपना टाइटल, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल एड्रेस जो है ये लिखेंगे, पासवर्ड लिख के कन्फर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का तरीकाकार ये होगा कि आप एक कैलेंडर आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो भी आपका ईयर है, बर्थ ईयर है, वो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और जो भी महीना है वो सिलेक्ट और डेट सिलेक्ट करके तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। और ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप रजिस्टर दबाएंगे, रजिस्टर का बटन करेंगे, तो हमारी तरफ से आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक हमारे सिस्टम की तरफ से एक ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल को लिंक को जाके जब आप अपने अकाउंट को कन्फर्म करेंगे तो फिर आप हमारे सिस्टम में लॉग इन कर सकेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अपने ईमेल से जाके कंफर्म करेंगे अपने ईमेल एड्रेस को तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी, योर अकाउंट इज, ये देखें जैसे लिखा हुआ आ रहा है, योर अकाउंट इज कंफर्म्ड, ठीक है, और इस स्क्रीन के बाद जब आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आप फर्स्ट टाइम जो है ना सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। सिस्टम में लॉगिन करने का तरीकाकार वही होगा कि यहाँ पे अपना यूजर नेम यानी कि CNIC और पासवर्ड जो है वो अपना देंगे और लॉगिन करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। जब आप सिस्टम में लॉग इन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन स्मीडा के बारे में आ रही है, NBDP के बारे में आ रही है, उसके बाद ये आप गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप जाके अपनी ग्रांट की एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं।
इस वक्त हमारी ग्रोथ स्टेज ग्रांट स्टार्टअप ग्रांट जो है ये ओपन है, इसलिए सिर्फ आप देखें कि यही लिंक जो है इसको आप क्लिक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई लिंक नहीं अवेलेबल। ये जो आप क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो सफ़ा आपके सामने अपीयर होगा इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रांट के मुतालिक इंस्ट्रक्शन हैं, इसके अलावा आप एप्लीकेशन को फिल इन करने के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि उर्दू में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वो सारा मेंशनड है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें और आखिर में जब सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे चार चेक बॉक्सेस हैं, यानी कि आप ये कंफर्म करें कि आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आपका वैलिड CNIC मौजूद है, आपका जो बिजनेस है उसका NTN है और आपका बिजनेस जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ऊपर लिखा हुआ है उसको मीट करता है। जब ये चारों आप करते हैं तो ये क्रिएट एप्लीकेशन का बटन अपीयर हो जाता है और ये आप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गई है इसका। और ये देखिए आपको मैसेज भी लिखा हुआ है कि सेव सक्सेसफुली, कि इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है हमारे सिस्टम में। अब आप इस एप्लीकेशन के जो डिफरेंट तीन हिस्से हैं उनमें आप अपनी मालूमात जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे। मैं आपको वन बाई वन इन तीनों हिस्सों में से लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इस एप्लीकेशन का, इसमें एप्लीकेंट प्रोफाइल, जो साहब जो खातून या जो साहब जो हैं अपने बिजनेस के बिहाफ पे हमें ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जो आपने अपने यूजर क्रिएट करते वक्त दी थी इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको नजर आ रही होगी, जैसे एप्लीकेंट का नाम जो है यहाँ पे ऑलरेडी अपीयर हो जाएगा, आपका जो CNIC नंबर था वो अपीयर हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, जेंडर हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, ये सारा ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपने अपने वालिद का या शोहर का नाम ये लिखना होगा। ठीक है, खवातीन की खवातीन में उम्मीदवार अगर हैं तो। उसके बाद आपने अपने शिनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है। एक्सपायरी डेट का वही तरीका कार कि अपने शिनाख्ती कार्ड की जो में देखिएगा जो भी आपका एक्सपायरी ईयर है वो आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जो महीना है वो ऐसे महीना चेंज करके और जो भी तारीख है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये आप तारीख करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड जो है वो अटैच करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर अपने पास स्कैन करके रख लेंगे तो आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने में आसानी होगी और आप जल्दी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकेंगे और जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। ये सारी तफसीलात जो हैं क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये हमारे इन्फो पैक में जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है इसमें लिखी हुई हैं और पोर्शन वाइज लिखी हुई हैं। अब जैसे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको अपने CNIC की कॉपी चाहिए, फ्रंट और बैक साइड उसका स्कैन कॉपी चाहिए, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो चाहिए होगी, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये आप एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले पढ़ लीजिएगा और इसको इनकी स्कैन कॉपीज अपने पास रख लें ताकि जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको इन ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो और आपको आसानी हो और आप जल्दी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बताना भूल गया था कि सबसे पहले जो आप अपनी वीडियो फोटो जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी तस्वीर आपने स्कैन कॉपी पे अपने पास रखी होगी वो आप अपलोड कर देंगे और ये फोटो जो है ये ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो अगला सेक्शन है, अच्छा ये लैंडलाइन नंबर अगर आपका मौजूद है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। अगले पोर्शन में हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसे एप्लीकेंट जिनका ताल्लुक किसी रिलीजियस माइनॉरिटी या मजहबी अकलियत से है, अगर है तो वो यस को क्लिक कर देंगे और यस लिखने के बाद जो भी उनका स्टेटस है जो जिस भी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है वो सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, अगर नो है तो इसको नो ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट जो है अगर उसको किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी मंजूरी है तो वो यस कर देगा, अगर नो है तो नो रहने देगा। यस करने की सूरत में आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे और जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी की तरफ से या किसी महकमे की तरफ से इशू है उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपसे जो तालीम मालूमात ले रहे हैं वो आपकी तालीमी मालूमात है, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ये मेट्रिक है, इंटरमीडिएट है, DE है, बैचलर है, जो भी आपका लेवल है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपके जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी है वो आप अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पेशा वराना मालूम आप एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसकी मालूमात पूछी हुई है।
अगर तो कुछ ऐसे हमारे एप्लीकेंट्स भी होते हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जॉब्स कर चुके होते हैं, अगर उनका कोई जॉब्स का या कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको नो रहने देंगे, नो ही नो नो कर देंगे। यस करने की सूरत में जो भी हमें रिक्वायर्ड मालूमात है, जैसे जहाँ पे उन्होंने काम किया है, एम्प्लॉयर का नाम, इदारे का नाम, वहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, ठीक है, कितने साल काम किया, कितने महीने काम किया, ठीक है, अगर उनका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देंगे, और अगर हम और कॉन्टेक्ट पर्सन जिस बंदे से अगर हमको मालूमात लेना चाहिए उसका नाम लिख देंगे, उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, और इस तरह उसका नंबर और ईमेल एड्रेस लिख देंगे। और इसी तरह अगर आपके पास एक से ज्यादा इदारों का एक्सपीरियंस है तो आप ये ऐड मोर का बटन देखिए, आप इसको ऐड करते जाएंगे और जितने भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक आपको ये बटन नजर आ रहा है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस जो आपके बिजनेस से मुतालिक है और उसमें आप आपको सपोर्ट भी कर रहा है, आपको हेल्प भी दे रहा है, तो ये आपको चेक बॉक्स नजर आ रहा है, इसको आप चेक कर दें। अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद ये सेक्शन जब आप सारी मालूमात जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये सेव का बटन नजर आ रहा है। अगले सेक्शन में जाने से पहले आप इस सेव के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप इसको ये दबाए बगैर आगे जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट सेक्शन में वो आप ना हो सके, हमारे पास सेव ना हो सके। तो इसलिए जरूरी है कि अगले सेक्शन में जाने से पहले इसको सेव जरूर कर लें। और इसके अलावा कई दफा ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी जो है, इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से सर्वर तक जो आपकी मालूम है वो नहीं जा रही थी, तो उसके लिए जरूरी है कि आप साथ साथ सेव कर सकते हैं, सेव का बटन कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब ये पहले सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा दूसरा सेक्शन जो है आप उसके लिए ये नेक्स्ट का बटन दबाएं, आप इसमें भी जा सकते हैं, यहाँ से अगले सेक्शन में जा सकते हैं। इस सेक्शन में हम आपसे जो चीज़ें पूछ रहे हैं, मालूम आपसे मांग रहे हैं, वो आपके बिजनेस के मुताबिक, आपके कारोबार के मुताबिक है, जिसके लिए आपने ग्रांट, जिसके लिए आप ग्रांट की दरख्वास्त दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम बताएंगे, इधर आप अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बता दें थोड़ी बहुत कि आपका बिजनेस किस चीज में इन्वॉल्व है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विसेज में है तो क्या सर्विसेज या किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक दो लाइन, माफ कीजिएगा, एक दो लाइन से ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा कि हमें अंदाजा हो जाए कि आपका बिजनेस किस किस्म की सरगर्मियां कर रहा है, उसकी तफसीलात आ गई। उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं बिजनेस की रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, जो तो हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस हैं वो अपनी एनटीएन की रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो फर्म्स हैं या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फॉर्म सी जो मिला है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसका भी तरीकाकार वही होगा कि कैलेंडर में जाके जो भी आपकी मतलूबा तारीख है, साल और तारीख, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसके बाद अगला सेल जो है, इसमें आपसे हम आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहे हैं, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, जो भी आपसे रेलेवेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और नीचे आके हम आपसे उसे रेलेवेंट सेक्टर का पूछ रहे हैं। फर्ज करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं और टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग आपने सिलेक्ट किया और उसके बाद नीचे आके आप अपनी टेक्सटाइल लिखते हैं तो ये आपको ये नजर आ जाएगा जो भी आपसे रेलेवेंट है, जैसे अब ये निट है या ये वीविंग है, फिनिशिंग है, ये मैंने आप एक एग्जांपल के तौर पे जो भी आपसे रिलेवेंट है सेक्टर उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बिजनेस का एनटीएन है वो आप मेंशन करेंगे, एनटीएन जो है जो आपको एफबीआर से मिला है वो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एनटीएन की जो इशू, जो आपके एनटीएन सर्टिफिकेट की जो इशुएंस डेट है वो मेंशन करेंगे, और एनटीएन के सर्टिफिकेट जो है वो आप अपलोड, उसका स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड कर देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एनटीएन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता, वो एफबीआई की वेबसाइट से जाके अपना एनटीएन डाउनलोड करके वो हमें वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं आपके बिजनेस के नेचर, नेचर ऑफ ऑनरशिप क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। देखिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये मुख्तलिफ किस्म का सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एसएम सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है, जो भी आपके बिजनेस का लीगल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर टैक्स फाइलर हैं, आपने टैक्स अपने टैक्स की फाइल किया हुआ है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो उसको नो नो कर देंगे।
फर्ज करते हैं आपने किया हुआ है, तो आपने जो आखिरी टैक्स रिटर्न जमा कराई थी, जैसे कि 2020-21 की अगर आपने FDR पे जमा कराया, फाइलर और जमा कराई थी, तो वो अपलोड कर दीजिएगा, उसकी उसी कॉपी अपलोड कर दें। फिर हम आपसे आपका बिजनेस में अगर फैक्स नंबर है बिजनेस का तो वो आप लिखते हैं, नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें। इसी तरीके से हम आपकी वेबसाइट एड्रेस पूछ रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है लिख दें, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें। अगली चीज़ जो है, अगले पोर्शन में हम आपसे बिजनेस का एड्रेस पूछ रहे हैं। अगर आप इसमें देखें, आपको दो किस्म के एड्रेसेस नजर आ रहे होंगे, एक बिजनेस के हेड ऑफिस का एड्रेस है और एक फैसिलिटी का एड्रेस है। ऐसे बिजनेसेस जिनकी एक से ज्यादा एड्रेसेस हैं तो हेड ऑफिस का ऊपर लिखेंगे और फैसिलिटी जो है उसका नीचे लिखेंगे। अगर उनका एक ही एड्रेस है तो यहाँ हेड ऑफिस में ही अपनी सारी डिटेल्स एड्रेस की फराहम कर देंगे। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, हमने पाकिस्तान को 7 रीजन्स में तकसीम किया हुआ, जो भी आपका रेलिवेंट रीजन बनता है, ठीक है, आपके 4 सूबों से है, इस्लामाबाद से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, गिलगित बल्तिस्तान से, जो भी आपका रीजन आपका बनता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस रीजन के आगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका बिजनेस मौजूद है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। आगे जो है जो भी आपकी तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे, और ये शहर शहर अगर मौजूद अगर नहीं है मेंशन तो यहाँ पे लिख दें, अगर अगर यहाँ पे शहर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद जो अपना जो बिजनेस का जो है, जो आपका स्टेटस है कि उस जो आपका एड्रेस है वो आप अपनी जगह पे है या वो रेंटेड जगह पे है, जो भी आपके है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अपनी जगह पे बिजनेस है तो ऑन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर रेंटेड है तो रेंटेड सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपका अगर रेंटेड जगह पे है तो रेंट एग्रीमेंट लगा देंगे, ठीक है, और अगर अपनी जगह है तो मलकियत का सबूत लगा देंगे, अटैच कर देंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके एक से ज्यादा जगह है तो आप फैसिलिटी का एड्रेस लिख देंगे। अच्छा, एक चीज जो है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये एक सेल नजर आ रहा है, ग्रांट विल बी यूज्ड एट दिस फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपने ये उस जगह पे चेक करना है जहाँ के लिए, जहाँ पे आपकी ग्रांट इस्तेमाल होगी। फर्ज करते हैं कि आपने मशीनरी आपके लिए रिक्वेस्ट की है और वो मशीनरी आपके बिजनेस फैसिलिटी एड्रेस पे इस्तेमाल होनी, हेड ऑफिस में नहीं होनी, तो फिर आप ये इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी सर्विस है जो आपके हेड ऑफिस में इस्तेमाल होनी है तो आपको हेड ऑफिस को कर लेंगे, या आप देख लें कि ये एक से ज्यादा एक ही जगह पे हो सकता है, एक से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ पे आपकी ग्रांट इस्तेमाल होनी है आप वही सेल जो है उसको चेक करें। इसी तरीके से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके एक से ज्यादा है तो इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी फैसिलिटीज को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आपसे आपके बैंक की मालूमात के बारे में पूछें, जैसे कि पहले बताया कि बैंक बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम आपसे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट की। आप जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में आपके बिजनेस का अकाउंट है, आप वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसका ब्रांच फर्ज करते हैं इबादत रोड में आपका है, ये सिलेक्ट ब्रांच लिख देंगे, अकाउंट का टाइटल जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद बिजनेस अकाउंट नंबर लिख देंगे, और उसका प्रूफ हमें चाहिए। वो प्रूफ दो सूरतों में हो सकता है, या तो आप हमें अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या कॉपी ऑफ चेक जो है ना वो लगा के, वो जो भी है वो सिलेक्ट करके उसके एंड कॉपी जो है ना वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम आपके बिजनेस की ऑपरेशनल डिटेल्स पूछ रहे हैं, जैसा कि आपके बिजनेस में मुलाजमीन की कितनी तादाद है, खवातीन कितनी है, मर्द कितने हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपके 10 मुलाजमीन मर्द हैं, खवातीन जो हैं 3 हैं, तो ये खुद ही सिस्टम जो है 13 कर देगा, अगर नहीं है तो इसको 0 रहने दें, ठीक है, इसको 0 कर दें तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस की ऑपरेशन डेट के बारे में हम पूछ रहे हैं। ऑपरेशन डेट से मुराद वो तारीख है जब आपका बिजनेस फाल हुआ था। फाल का मतलब ये है कि जब आपने अपने ऑपरेशन जब आपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिस तरीके से आपने आपके कारोबार ने अपनी लेन देन शुरू कर दी थी, मैन्युफैक्चरिंग में था, मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, सर्विसेज में है, सर्विस स्टार्ट कर दी है, तो ये तारीख जो है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट से लाजमी डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद जो है हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर अगर आपकी अपनी जगह है तो उसमें लैंड में कितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो लिख लीजिए, नहीं है तो 0 रहने दें। बिल्डिंग में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो लिख दें, अगर नहीं है तो 0 रहने दें। प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, जो भी आपका अमाउंट है वो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो 0 रहने दें। स्टॉक्स अगर आपके हैं, फर्ज करते हैं कि आपके स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कोई इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये सिस्टम जो भी आपके आप जो वैल्यूज देंगे सिस्टम उनको ऑटो कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद हम आपसे बिजनेस की एनुअल सेल्स की, यानी कि सालाना आपकी जो
सेल्स हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्रांट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक का, तो जो पिछले 5 फिस्कल ईयर्स जो हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा बिजनेस जिसकी एज जो है 5 साल तक है, तो पिछले 5 फिस्कल ईयर्स के बेस उनकी जो एनुअल टोटल सेल्स जो कि आपने FBR को बताई थी, ठीक है, वो साल के आगे मेंशन कर देंगे। फर्ज करते हैं एक साल एक बिजनेस के 5 साल हो चुके हैं, तो वो लिख दीजिए कि यहाँ पे सेल लिख देगा जो FBR अपने टैक्स रिकॉर्ड में या अपने टैक्स रिटर्न में दी थी। अगर नहीं है तो अगर 4 साल है तो जो भी जो उसका ऑपरेशन ईयर है उसके आगे लिखेगा। अगर ऑपरेशन ईयर नहीं है तो उसके आगे इसी तरह 0 ही रहने देगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपसे आपके कारोबार के पूछ रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम लिख देंगे आप उसके, हम आपसे उसकी एनुअल कैपेसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई ब्रोशर मौजूद है तो लिख उसको अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से आप ऐड मोर कर सकते हैं। अगेन आखिरी से इससे अगले सेक्शन पे जाने से पहले ये आप सेव का बटन दबा देंगे ताकि उस वक्त तक आपने जितनी भी मालूमात दी है वो हमारे सर्वर पे अपलोड हो जाए और उसके बाद आप अगले सेक्शन पे आप चले जाएँ, ठीक है। अगले सेक्शन पे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से भी आप नेक्स्ट इधर से भी जा सकते हैं, इस बटन से भी जा सकते हैं, और आप ये ऊपर हमें जो सेक्शन का है इधर से भी आप जा सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म का, ये आपकी ग्रांट से मुतालिक इंफॉर्मेशन हमने पूछी हुई है। सबसे पहले हमने पूछा हुआ है कि जो जो आपको ग्रांट चाहिए है, ग्रांट से आप जो खरीदना चीज़ खरीदना चाह रहे हो, प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर उस प्रोडक्ट का जो है नाम लिख देंगे, ठीक है, फर्ज करते हैं कोई मशीन चाहिए उस मशीन का नाम लिख देंगे और उसकी कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो उसको अटैच कर दीजिए। इसके बाद हमें जो है जो आपके सप्लायर हैं, जो वेंडर हैं, उनमें जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको 3 अदद हर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए आपको 3 अदद कोटेशन फ्राहम करना है। यहाँ पे हम आपसे कोटेशन के मतलब मालूमात पूछ रहे हैं, जो भी आपका सप्लायर है, ठीक है, उसका आप नाम लिखेंगे, उसका NTN लिखेंगे, NTN होना ज़रूरी है, NTN के बगैर नहीं होगी एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसका एड्रेस लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लिख देंगे, उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, लैंडलाइन नंबर अगर है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें, जो प्राइस कोट की गई है, प्राइस टोटल प्राइस, ठीक है, वो इधर लिख देंगे, कोटेशन की इश्यू डेट क्या थी, अगेन ये कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे, और एक्सपायरी डेट क्या है, और कोटेशन की स्कैन कॉपी जो है ना वो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अच्छा, कोटेशन का जो फॉर्मेट है वो भी हमने आपको दे दिया, ये अगर आप देखें, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा कि हमें किस फॉर्मेट में कोटेशन चाहिए। बेसिकली इसमें हमने वही चीज़ें पूछी हैं कि BDSP का नाम पूछा है, NTN पूछा है, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा हुआ है, और डिटेल एड्रेस की डिटेल्स पूछी हुई हैं, ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी डिटेल्स पूछी हुई हैं, उसके अलावा कोटेशन जो उसका फाइनेंशियल अमाउंट है वो पूछा हुआ, वैलिडिटी पूछी हुई है, नाम और स्टैम्प जो है ये करके दे देगा जो आपका सप्लायर जो है। इसी तरीके से ये यहाँ पे आप दूसरे अपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन डालेंगे, फिर तीसरे सप्लायर की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो सिस्टम जो है, यहाँ पे आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं इसके आगे की उसकी सर्विस की तफसीलात जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको आखिर में यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा ये इधर यहाँ पे कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस जो है वो उसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है लोएस्ट का, उसमें से NVDP का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मैजिक से जो है आप एप्लीकेंट हैं इसने कितना कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए। फर्स्ट करते हैं कि आपकी पहली कोटेशन की कीमत थी 5 लाख, दूसरी कोटेशन की कीमत थी 4 लाख, तीसरी कोटेशन की कीमत थी 3,75,000, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है कि आपकी जो कोटेशन जो लोएस्ट कोटेशन थी वो 3,75,000 रुपए की थी, जिसमें से
80% कंट्रीब्यूशन जो कि एनबीटीपी का वो 3 लाख रुपए और 75,000 रुपए जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से ये जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है ये 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ये 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको कैलकुलेट करके दे देगा, इसका इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसमें कितने पैसे जो है वो आपको ग्रांट की सूरत में मिलेंगे और कितने जो अपने अपने खुद से इन्वेस्ट करने उस प्रोडक्ट या सर्विस में। उसके बाद आगे जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं आपसे कि जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए उससे आपके कारोबार पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, कितने परसेंट इंक्रीज होंगे। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन आप जो भी आप समझते हैं वो लिख सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं सर्विस ले रहे हैं उससे आपके कारोबार में सेल्स में क्या इजाफा हो रहा है। फिर इसी तरीके से नीचे जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस ग्रांट की मदद से आप जो आपके बिजनेस बढ़ है उसके सेल्स में इजाफा हो रहा है, उससे आया कोई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कोई नए लोग हायर हो रहे हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं कितने नए लोग हायर हो रहे हैं, थोड़ी बहुत आप डिटेल लिख सकते हैं। आखिरी इस पोर्शन का जो आखिरी सेक्शन है उसमें हम पूछ रहे हैं आपसे कि इससे पहले आपने किसी गवर्नमेंट के इदारे से ग्रांट ली हुई है, अगर ली हुई है तो यस उसकी तफसीलात दे, अगर नहीं ली हुई तो नो रहने देंगे, ली हुई है तो यस करके जो भी उसकी तफसीलात हमने पूछी हैं जैसे किस महकमे से ली है, ग्रांट का अमाउंट क्या था, किस साल में ली थी, उसका मकसद क्या था, और अगर उसके उसका कोई फाइल है तो अपलोड कर दीजिए, अगर एक से ज़्यादा ली है तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगेन आप इस सेक्शन को सेव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन की सारी मालूम कम्प्लीट हो चुकी है, अब आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। सबमिट कराने से पहले जो है सिस्टम आपको बता देगा, मैं आपको आखिरी सेक्शन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये आपको हर पोर्शन में बता रहा है कि आपकी जो भी अटैचमेंट थी वो आपको दिखा रहा है कि जो भी आपने अटैच चीज़ें अटैच की थी वो आपको बता रहा है, ठीक है, कि कौन से सेक्शन में आपने क्या फाइल अटैच की थी, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आप देखें कि ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, कुछ उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, इनको सबमिट करने से पहले पढ़ लीजिए, फिर जब आप इसको कंफर्म करके ये सबमिट का बटन दबाएंगे। अब देखें आप ये सिस्टम ने मुझे एप्लीकेशन सबमिट नहीं करने दी है और सिस्टम मुझे बता रहा है कि एप्लीकेंट के प्रोफाइल के सेक्शन में हस्बैंड नेम, फादर या हस्बैंड का नेम मिसिंग है, ठीक है। तो ये जब तक आपको नहीं लिखेंगे आपको सबमिट नहीं करने दी। इसी तरीके से ये आपको वन बाय वन बताता जाएगा जहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, जो आप अटैचमेंट लगाना भूल गए या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो सिस्टम आपको उसके बारे में बता देगा कि जी ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जब वो आप उसको अटैच कर देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा कि एप्लीकेशन का तरीकाकार कि एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करानी है। इसके बाद जो है जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, हमारे पास आएगी, हम उसके स्क्रूटनी करेंगे एप्लीकेशन की, जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें चेक करके नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोसेस का वो फील्ड वेरिफिकेशन विजिट है। जो एलिजिबल एप्लीकेशन होंगी फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है, जिन्होंने अपनी सारी मालूमात भी दी हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, उनका हमारा नुमाइंदा उन बिजनेसेस को जाके उनको फिजिकली वेरीफाई करेगा। जो एड्रेस दिया था जहाँ पे ग्रांट यूज होनी है वहाँ पे हमारा नुमाइंदा आके देखेगा कि बिजनेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ऑपरेशनल है, और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच किए थे उनकी ओरिजिनल कॉपी, उनके ओरिजिनल हैं वो आके चेक करेगा, ठीक है। और इसमें ये भी देखेगा कि बिजनेस जो है वेरीफाई करेगा हमारा नुमाइंदा कि बिजनेस पिछले एक साल में कम से कम 6 महीने ऑपरेशनल रहा है। ऑपरेशनल होने के लिए वो बिजली के बिल देख सकता है, फ़ोन के सेल परचेज इनवॉइसेस हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो सकते हैं, सैलरी की पेमेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो देखे, वो आके देखे देख सकता है ऑपरेशनल स्टेटस को देखने कंफर्म करने के लिए। फिर आपने जो 3 कोटेशन जो हैं माफ कीजिएगा जो अटैच किए हैं वो ओरिजिनल जो है वो आके देखेगा आपके पास। इसके अलावा कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किए थे जैसे डिग्रीज थी, सर्टिफिकेट्स थे, कोई और चीज़ें थी जो भी आपने एप्लीकेशन में अटैचमेंट्स की हुई थी उनके, वो आके उनको देखेगा, वेरीफाई करेगा। और कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी चीज़ आपके ऑपरेशन स्टेटस को डिक्लेयर वेरीफाई करने के लिए आपसे कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। जो एप्लीकेंट्स जो हैं जो फील्ड वेरिफिकेशन के विजिट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका एक नीड असेसमेंट इंटरव्यू होगा। नीड असेसमेंट इंटरव्यू जो है माफ कीजिएगा उसमें
जो एप्लीकेंट है जिसने बिजनेस के बिहाफ पे अप्लाई किया उसका एक इंटरव्यू होगा, हमारा एक पैनल करेगा जिसमें आपसे ग्रांट के मुतालिक पूछा जाएगा कि जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस जिसके लिए आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके कारोबार, आपके कारोबार को क्या फ़ायदा होगा, मतलब इस किस्म के जो है ना उसने जो आप ग्रांट की आपने रिक्वेस्ट की है उसको असेस करना, ठीक है। इन तीनों स्टेजेस से जो जो एप्लीकेंट्स हैं वो निकल जाएंगे, उनकी इन्फॉर्म, उनकी एप्लीकेशन जो है ग्रांट अप्रूवल कमेटी के पास चली जाएगी और कमेटी जिन केसेस को अप्रूव कर देगी, ठीक है, उनको हम ग्रांट अप्रूवल की इन्फॉर्मेशन भिजवा देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नजर चलूँ, चूंकि ये ग्रांट जो है ये स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है, तो इसके लिए इस ग्रांट में जो जिनके केसेस अप्रूव हो जाएंगे उनको 1 से 2 दिन की एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करना होगी। स्मीडा उनको बता देगा, स्मीडा की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ पे कब और कहाँ पे उन्होंने वो 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको LOI लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू हो जाएगा, ठीक है। LOI में उनका सारा कुछ क्लियरली मेंशन होगा, ग्रांट की टर्म एंड कंडीशन भी लिखी हुई होंगी, जो अप्रूव्ड सप्लायर है उसका नाम भी लिखा होगा, क्या अमाउंट अप्रूव हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस अप्रूव है, सारी चीज़ें उसमें क्लियरली लिखी हुई होंगी। LOI की बेसिस पे जो आपका जो भी सप्लायर है, आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, वो आप उससे एक्वायर कर लेंगे। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट उससे लेके उसको पेमेंट कर देंगे, सर्विस है तो सर्विस एक्वायर करके कर देंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पेमेंट जो है वो कैश पे नहीं हो सकती है, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगी और वही एक्सेप्टेबल होगी। कैश पेमेंट जो है इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जब आप कर लेते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं, उसके बाद एक आप हमें बताएंगे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस था वो आप प्रोक्योर कर चुके हैं, तो पोस्ट डिलीवरी वेरिफिकेशन विजिट हमारा नुमाइंदा दोबारा से आके करेगा, जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आपने ले लिया उसको आके वेरीफाई करेगा कि हाँ जी ये जो प्रोडक्ट था ये इन्होंने खरीद लिया है, ये प्रेमिसेस में मौजूद है, और पेमेंट जो है वो हो गई है, पेमेंट का प्रूफ दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दी जाएगी, और उसके साथ ही आप जो है अपनी रिइंबर्समेंट रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट मैनेजमेंट सेल को, जिसका एड्रेस ये सामने आ रहा है, इसको आप भिजवा देंगे। तो उसके बाद जो आपका केस जो है वो प्रोसेस करके 15 से 20 दिनों में, मैक्सिमम 1 महीने में, तो आपके ग्रांट जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो आपके जो बैंक आपने बताया था उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये था प्रोसेस हमारे ग्रांट का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्लैरिटी होगी, ये जो कुछ मैंने बताया ये हमारा इस ये इन्फो पैक हमारी वेबसाइट पे ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में अवेलेबल है, ठीक है। ये उर्दू में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। इसको आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके करके खुद भी पढ़ सकते हैं।